हेलो, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको स्टीरियोटाइप बिहेवियर के बारे में बताया था, जिसमें हमने दो स्टीरियोटाइप बिहेवियर स्टडी किए थे, टैक्सिस और रिफ्लेक्सिस। तो अब हम बाकी के दो स्टीरियोटाइप बिहेवियर डिस्कस करते हैं, इंस्टिंक्ट एंड मोटिवेशन। इंस्टिंक्ट्स की बात हम पहले करते हैं यहाँ पर, क्योंकि एनिमल का जो रिस्पॉन्स है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एनिमल का रिस्पॉन्स है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि वो उसका जो भी रिस्पॉन्स आता है वो एक अडेप्टेशन के रूप में आप ले सकते हैं। अडेप्टेशंस टू सूट इट्स सराउंडिंग्स, मतलब अपनी सराउंडिंग्स में वो किस प्रकार से सबसे अच्छी प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकता है। तो उसको आप दो तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं, जो एनिमल के रिस्पॉन्सेज हैं। या तो एनिमल उन रिस्पॉन्सेज के साथ पैदा हुआ होता है, या ये जो रिस्पॉन्सेज आप कह सकते हैं कि इनबिल्ट हैं या इनहेरिटेड हैं, या ये रिस्पॉन्सेज जो हैं एक्सपीरियंस के साथ में मॉडिफाई हुए हैं। दोनों ही प्रकार के रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन जो वो रिस्पॉन्सेज जिनके साथ एनिमल पैदा हुआ है या जो उसके इनहेरिटेड रिस्पॉन्सेज हैं, उनको इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहते हैं। जबकि वो रिस्पॉन्सेज जिसमें कि एक अडेप्टिव चेंज आता है ड्यू टू द एक्सपीरियंस ऑफ द एनिमल इट्सेल्फ, उसको आप लर्निंग कहते हैं। तो इस वजह से दोनों के दोनों जो बिहेवियर हैं, दे एंश्योर अडेप्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट और टुवर्ड्स द लिविंग कंडीशंस द एनवायरनमेंट गिव्स द एनिमल। तो आप ये देखते हैं कि प्रत्येक स्पीशीज जो है उसके कुछ स्पेसिफिक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बया का घोंसला जो होता है उसका एक पर्टिकुलर प्रकार का उसका होता है, बहुत अच्छे से इंट्रिकेट नेस्ट बनाती है। उसी प्रकार से स्पाइडर्स की जितनी भी स्पीशीज होती हैं, दे हैव अ पिक्यूलियर टाइप ऑफ वेब, सबका वेब बनाने का तरीका अलग अलग होता है। या बर्ड्स का सॉन्ग आप डिसाइफर कर सकते हैं, आवाज से भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सी बर्ड है, लेकिन प्रत्येक बर्ड के सॉन्ग में भी नोट्स अलग अलग होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि बया को या किसी भी बर्ड को कभी भी कोई घोंसला बनाना नहीं सिखाता है। या सिमिलरली, नोबडी टीचेस अ स्पाइडर हाउ टू स्पिन अ वेब, नोबडी टीचेस अ बर्ड हाउ टू सिंग। तो फ्रॉम वेयर दीज बिहेवियरल पैटर्न्स दे कम फ्रॉम, कहाँ से आए दीज, द एनिमल इज बॉर्न विद देम। सो यू कैन से दैट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज एन इंस्टिंक्ट, ये प्री डिटर्मिंड बिहेवियर है उसका। लेकिन कुछ इंस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है आप कहते हो कि ये एक्सप्लेन नहीं करता, कि ये कॉन्ट्रोडिक्ट करता है इस स्टेटमेंट को कि एनिमल इज बॉर्न विद देम। ऐसा कब होता है कि इंस्टिंक्ट जो है इननेट ऑर्गन सिस्टम है जो इंडिविजुअल का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जो उसका पैटर्न है बिहेवियर का वो टोटली एनवायरमेंटल फैक्टर से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। कि कोई भी, अगर मान लीजिए कोई बर्ड अपना घोंसला बना रहा है, मेल बर्ड नेस्ट बिल्डिंग कर रहा है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है जब आप लिखना शुरू करते हैं हम तो उतना अच्छा नहीं लिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से हमारी लिखाई में सुधार आता है। उसी तरीके से जो एनिमल्स की एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल नेस्ट बिल्डिंग हो गया, या स्पिनिंग अ वेब हो गया, या सिंगिंग अ सॉन्ग हो गया, उसमें भी उनके एक्सपीरियंस का प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट से कुछ सीखते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, कहीं ना कहीं वो भी एनवायरनमेंट से इंडिपेंडेंट नहीं है। एनवायरनमेंट का प्रभाव इन द लेटर कोर्स ऑफ लाइफ व्हेन द एक्सपीरियंस सेट्स इन, तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियरल पैटर्न के ऊपर भी एनवायरनमेंट का प्रभाव देखने में आता है। तो इसके लिए अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं। तो जब हम इसका कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टिंक्ट का, तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 में एक डेफिनेशन दी थी। He regarded instincts as complex reflexes evolved through the process of natural selection. Darwin's definition could be relied upon by the fact that instincts are responses coming through the mechanism of inheritance. क्योंकि डार्विन जो थे, gave the theory of survival of the fittest. उनका ये मानना था कि जो सबसे ज्यादा फिट है वही सर्वाइव करेगा ऑर्गेनिज्म किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशंस में, और क्योंकि वो सबसे ज्यादा फिट है उस एनवायरमेंट के लिए, तो उसी की जो कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिट होंगी, बिकॉज जो ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा फिट है उसको ही चांस मिलेगा रिप्रोड्यूस करने का, तो उसकी कैरेक्टर्स जो हैं वो इनहेरिट हो जाएंगी अगली पीढ़ी में। तो उन्होंने क्या कहा, उनका ये कहना था
कि इंस्टिंक्ट को आप कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस की तरह से आप मान सकते हैं, और ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनको इवॉल्व होने के लिए उस पर्टिकुलर स्पीशीज का पूरा इवोल्यूशन का टाइम मिला है, कि जितने समय में वो स्पीशीज इवॉल्व हुई है उतना समय इस इंस्टिंक्टिव पैटर्न या इस कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स को इवॉल्व होने के लिए उतना समय मिला है, और ये धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ये पर्टिकुलर इंस्टिंक्ट जो है अब जा करके ये नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ये फिक्स हुआ है किसी भी स्पीशीज में। दूसरी जो डेफिनेशन दी वो दी के लॉरेंस ने 1937 में। ही पोस्टुलेटेड दैट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कंप्राइजेज ऑफ मैनी FAPs विच आर पिक्यूलियरिटीज ऑफ द स्पीशीज एंड दस आर जेनेटिकली डिटर्मिंड। He termed each FAP as instinct and proposed that many instinctive reservoirs or centers were present in the body of the animal. K. Lawrence भी कहीं ना कहीं डार्विन की बात से सहमत है। उन्होंने natural selection बोला उस process को, और K. Lawrence ने कहा कि जो ये behavioral patterns हैं या fixed action patterns हैं, उन्होंने instinct को माना कि कोई भी instinctive behavioral pattern जो है या कोई भी behavior जो animal का है उसके अंदर बहुत सारे FAPs या fixed action patterns होते हैं, और ये किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज की पिक्यूलैरिटीज होते हैं और जेनेटिकली डिटर्मिंड हैं। अगेन यहाँ पर कहीं ना कहीं हम डार्विन से कोरिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि जेनेटिकली डिटर्मिंड है बिकॉज वो जो फिटेस्ट था दैट वाज एबल टू रिप्रोड्यूस, और उसके जो जीन्स थे दे वर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इस प्रकार से ये इंस्टिंक्ट जो हैं दीज आर जेनेटिकली डिटर्मिंड। और उन्होंने बोला कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे इंस्टिंक्टिव रेजरवॉयर्स होते हैं, रेजरवॉयर या सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तीसरी डेफिनेशन दी टिनबर्जन ने 1951 में। ही पोस्टुलेटेड दैट वेरियस इंस्टिंक्ट सेंटर्स इन द बॉडी वर अरेंज्ड इन अ हायरार्की। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे, एक हायरार्कियल पैटर्न है, पहले एक होगा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा होगा, तो एक हायरार्की यहाँ पर चलती है। तो इस हायरार्की का क्या बेनिफिट होता है कि एनिमल की एनर्जी सेव होती है। तो एनर्जी सेव किस लिए होती है कि कोई एक पर्टिकुलर बिहेवियर से उसको स्टिमुलेशन मिल रहा है, तो क्योंकि हायरार्की में ये स्टिमुलेट हो रहे हैं उसके सेंटर्स, इंस्टिंक्ट सेंटर्स, तो उसकी एनर्जी जो है थोड़ी यहाँ पर बच जाती है। जैसे कि रिप्रोडक्शन का इनिशिएशन है एनिमल्स में, उसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड बिहेवियर्स हैं। मतलब किसी भी स्पीशीज का जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, इट्स नॉट जस्ट द पॉपुलेशन एंड लेइंग ऑफ एग्स या गिविंग बर्थ टू यंग वंस, उससे पहले बहुत तैयारी होती है। तैयारी किस सेंस में होती है? तैयारी होती है जो एसोसिएटेड बिहेवियर्स हैं, सबसे पहले कोर्टशिप पैटर्न होता है। कोर्टशिप पैटर्न में द मेल ल्यूज द फीमेल, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अपनी तरफ। उसके बाद नेस्ट बिल्डिंग होती है कि आप बच्चे होंगे कहाँ रहेंगे, उसके लिए वो नेस्ट या अपने लिए नीड का निर्माण करता है। फिर पेरेंटल केयर आती है, हाउ टू लुक आफ्टर द यंग वंस, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो जितने भी तो ये एक हायरार्की में होता है सब कुछ। कुछ केसेस में नेस्ट बिल्डिंग पहले होती है उसके बाद कोर्टशिप होती है, कुछ केसेस में कोर्टशिप पहले होती है उसके बाद मेल एंड फीमेल दोनों मिलकर के नेस्ट बनाते हैं। तो ये सब कुछ स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। तो ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो है इंस्टिंक्ट के, सबसे पहला है कि जो इंस्टिंक्ट्स हैं दीज आर FAPs या फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स हैं, एंड दीज आर रिलीज बाय अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। इनको रिलीज करने के लिए एक स्पेसिफिक स्टिमुलस की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल इन मैच्योर एनिमल्स सेक्सुअल बिहेवियर को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले देयर कैन बी एक्सटर्नल फैक्टर्स और देयर कैन बी इंटरनल हॉर्मोनल फैक्टर्स। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द स्टीरियोटाइप इंस्टिंक्ट्स आर स्टीरियोटाइप्ड एंड स्पीशीज स्पेसिफिक, कि एक फिक्स्ड तरीके से जो भी क्रियान्वयन होगा वो एक एक्शन पैटर्न उनका सेट रहता है, स्टीरियोटाइप्ड एक्शन पैटर्न है, और प्रत्येक एक्शन पैटर्न जो है वो स्पीशीज एंड सेक्स एंड एज स्पेसिफिक होता है। और तीसरा है इट इज अडैप्टिव, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टीरियोटाइप्ड है, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, लेकिन फिर भी उसमें अडैप्टिविटी बनी हुई है। इट विल चेंज बाय नेचुरल सिलेक्शन एंड ये जेनेटिकली डिटर्मिंड होता है। और चौथा है इट इज अनलर्न, मतलब कि एनिमल उसको सीखता नहीं है, बट इट इज स्टीरियोटाइप्ड एंड लेकिन साथ ही साथ ये अडैप्टिव भी है।
कि जो सबसे पहली बार होगा तो उसने कहीं से सीखा नहीं होगा, बट उसमें अडेप्टिव चेंजेस आ सकते हैं। तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट टिनबर्जन ने किया था। दिस फिश इज द थ्री स्पाइंड स्टिकलबैक मेल, दिस इज अ मेल थ्री स्पाइंड स्टिकलबैक। जो थ्री स्पाइंड स्टिकलबैक होता है, जब ये अपना नेस्ट बनाता है और ये फीमेल के साथ है, तो वहां पर इसमें ये देखा गया कि इसका इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो है न्यूरल मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। तो उन्होंने ये देखा कि अगर थ्री स्पाइन स्टिकल बैक है और जब ये थ्री स्पाइन स्टिकल बैक मेल जब मैच्योर होता है, राइप होता है, उस समय इसकी जो अंडर साइड है ये रेड कलर की हो जाती है। दैट मीन्स कि दिस इज सेक्सुअली एक्टिव मेल, इट कैन, इट इज फिट फॉर रिप्रोडक्शन। व्हेन दिस पर्टिकुलर थ्री स्पाइन स्टिकल बैक इज विद अ फीमेल और उस समय उसकी टेरिटरी में कोई दूसरा थ्री स्पाइन स्टिकल बैक आ जाए, अगर उसकी रेड बेली नहीं है तो ये उसको कुछ नहीं कहता है। मेल होते हुए भी ये उसको कुछ नहीं कहेगा अगर रेड बेली नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा मेल भी आ जाए, दूसरी स्पीशीज का मेल भी आ जाए और उसकी रेड बेली है, आप ये यहाँ पे देख रहे हैं ये सबकी रेड बेली है, तो ये इस तरीके से हेड डाउन उसको थ्रेट देता है, अपना सर नीचे करके उसको फाइटिंग रिस्पॉन्स एक देता है। और ये देखा गया कि जो डमी फिशेज हैं, ये दीज आर ऑल, ये दिस इज द सोलन बेली होती है फीमेल की, जब ये सोलन बेली दिखाई देगी उसको तो ये कोर्टशिप बिहेवियर इसका स्टार्ट होगा। और अगर डमी मॉडल में भी रेड बेली है तो ये हेड डाउन थ्रेट देता है। नाउ दिस इज अ वीडियो विच शोज द एक्सपेरिमेंट दैट वॉज परफॉर्म। दिस इज अ मॉडल, अगेन अनदर मॉडल, अनदर मॉडल, एंड नाउ द थ्री स्पाइन स्टिकल बैक इन सम एक्वेरियम और वाटर बॉडी, एंड हियर दिस मॉडल विदाउट द रेड बेली। दिस इज द थ्री स्पाइन स्टिकल बैक मेल, तो ये इसकी रेड बेली नहीं है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं है। दैट इज वो अपने नेस्ट के आसपास आराम से, ये यहाँ पे उसने अपना नेस्ट बना रखा है नीचे, तो उसको ये कुछ नहीं कह रहा है इंट्रूडर को, क्योंकि उसकी रेड बेली नहीं। नाउ अब ये देखिए दूसरा मॉडल आया, अब जिसकी रेड बेली आते ही एकदम से उससे ये लड़ना शुरू हो जाता है। बट दिस मॉडल वॉज ट्रू टू द शेप। अब ये दूसरा मॉडल आया जिसकी शेप वैसी नहीं है, लेकिन रेड बेली होने की वजह से ये इसके ऊपर भी अटैक करता है। सो दिस वॉज वन ऑफ द वीडियोज, एक्सपेरिमेंटल वीडियोज। तो इंस्टिंक्ट जो है दिस इज क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम लर्निंग। मैनिंग ने एक आउटलाइन बनाया है, उन्होंने कहा, उन्होंने रैट्स की एग्जाम्पल दी है इंस्टिंक्ट और लर्निंग, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ रैट्स। रैट्स में दोनों टाइप के बिहेवियरल पैटर्न्स वो शो करते हैं, इंस्टिंक्ट भी शो करते हैं और लर्निंग भी शो करते हैं। तो अगर किसी स्किनर बॉक्स में आप रैट्स को रखेंगे तो अल्टीमेट कोई फीमेल रैट है, अल्टीमेटली उसमें एक लीवर होता है स्किनर बॉक्स में जिसको प्रेस करने से फूड पैलेट निकलता है। फीमेल रैट को नहीं पता कि किस, जब आपने उसको स्किनर बॉक्स में डाला उसको नहीं पता कि फूड कैसे आएगा, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से, और उसने कभी एक्सीडेंटली प्रेस कर दिया फूड आया, तो धीरे धीरे वो लर्न कर जाती है कि किस तरीके से मैं ये लीवर प्रेस करूँगी तो मेरे को फूड मिलेगा। लेकिन ये फिर एक स्टीरियोटाइप फैशन में होने लगता है। लेकिन सेम फीमेल को जो कि अभी वर्जिन फीमेल है, विच हैज नॉट इंटरैक्टेड विद एनी मेल, अगर उसको मेल, इफ इट इज माउंटेड बाय अ मेल पार्टनर, तो वो एक स्टीरियोटाइप एक्सेप्टेंस पोस्चर शो करेगी जो कि उसकी स्पीशीज का कैरेक्टरिस्टिक है, उसने पहले कभी नहीं किया है बट इट विल शो द स्टीरियोटाइप पोस्चर। सो हियर यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग। इसी तरीके से यू कैन सी द सकलिंग बिहेवियर ऑफ द इंसेक्ट इन्फेंट।
कोई भी इन्फेंट है व्हेन इट इज गिवन द मिल्क बॉटल उसका एक स्टीरियोटाइप सकलिंग बिहेवियर होता है, उसने नहीं कभी दूध पिया है बट इट नोज हाउ टू सकल, तो दिस इज इंस्टिंक्ट। बट इट विल लर्न टू होल्ड द बॉटल, आप उसको एकदम से नहीं आप उसको छोड़ सकते बॉटल के साथ, धीरे धीरे द इन्फेंट लर्न हाउ टू होल्ड द बॉटल। अडेप्टिव सिग्निफिकेंस इज दैट द लोअर ग्रेड एनिमल्स, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर लोअर ग्रेड एनिमल्स क्योंकि उनके लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, दे डू नॉट हैव दैट मच टाइम टू लर्न एनीथिंग, तो वेन दे आर बॉर्न विद सम इंस्टिंक्ट्स दिस हेल्प्स देम इन सेविंग देम फ्रॉम द हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ प्रेडेटर्स से भी। तो उनको एक प्री हैंड नॉलेज के साथ, द एनिमल्स आर बॉर्न विद सम प्री हैंड नॉलेज ऑफ द एवर्सिव सिचुएशंस ऑफ द एनवायरमेंट, दैट इज वाई इंस्टिंक्ट्स आर वेरी गुड एंड दे हैव अ वेरी ह्यूज अडेप्टिव सिग्निफिकेंस फॉर एनिमल्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द मोटिवेशन। तो मोटिवेशन अगर हम नॉर्मल टर्म्स में बोलें, मोटिवेशन इज कि जब आप कोई गोल सेट कर लेते हैं, कोई आपका टारगेट है कि मेरे को कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो आप उसके लिए मोटिवेट होते हैं। द सेम डेफिनेशन अप्लाइज हियर। तो अलग अलग एनिमल्स में इसको डिस्क्राइब किया गया है मोटिवेशन को। तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कैन बी एनालाइज्ड इनटू ड्राइव डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ गोल, मतलब एक गोल है उसके तरफ जो आप कार्य कर रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए, दैट ड्राइव द अटेनमेंट ऑफ विच रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ ड्राइव और सेसिएशन, मतलब कि जब आपने वो गोल को प्राप्त कर लिया तो उसके बाद क्या होगा, ये ड्राइव जो है इसमें कमी आ जाएगी और आपको एक अनुभूति होगी, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। तो मोटिवेटेड बिहेवियर को आप डिफाइन कर सकते हैं एज अ रिस्पॉन्स और ड्राइव दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल लीडिंग टू सेसिएशन या सेटिस्फैक्शन विच इज मेजर्ड बाय द इंटेंसिटी और द रेट ऑफ कंज्यूमेटरी बिहेवियर, एग्जाम्पल इन ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मेटिंग, और बाय द रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वर्क द एनिमल्स डू टू द टू रीच द गोल, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल को प्राप्त करने के लिए जो कोई भी मेहनत की जाती है, कोई भी कार्य निष्पादित किया जाता है, दैट इज नोन एज ड्राइव। और इसको आप मोटिवेटेड बिहेवियर को मेजर कैसे करेंगे कि कंज्यूमेटरी बिहेवियर का क्या रेट है, कितनी तेजी से कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि कितनी तेजी से आपको कितनी भूख लगी है, आप कितनी जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो, आप कितनी प्यास लगी, आप कितना तेजी तेजी पानी पी रहे हो या कोई और कार्य में, या दूसरे तरीका है इसको मेजर करने का कि किस इंटेंसिटी के साथ आप उस ड्राइव को निष्पादित करते हो या किस इंटेंसिटी के साथ आप वो कार्य करते हो। तो ये मेजरमेंट का एक तरीका है मोटिवेशन की। मोटिवेशन के जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, देयर आर थ्री डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। सबसे पहला है कि ये गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, देयर हैज टू बी अ गोल फॉर मोटिवेशन, एंड गोल में बी डिफाइंड एज अ कंडीशन विच लीड्स टू सेसिएशन, कोई भी कंडीशन जिससे एक उसके बाद आपको सेटिस्फैक्शन हो, दैट इज अ गोल। देन देयर इज अ ड्राइव टूवर्ड्स द गोल इज डन बाय अ स्टिमुलस, मतलब गोल जो है वो एक स्टिमुलस का काम करता है और उसके बाद जो उसको प्राप्त करने के लिए जो कार्य हो रहा है, दैट इज द ड्राइव। देन अ मोटिवेटेड बिहेवियर कंटेन्स थ्री कॉम्पोनेंट्स, किसी भी मोटिवेटेड बिहेवियर के तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं। पहला है एक अ फेज ऑफ एपेटाइटिव बिहेवियर, यहाँ पे एपेटाइट का मतलब भूख नहीं है, ये जो ड्राइव है टूवर्ड्स द गोल, जो ये गोल सेट किया है, सेटिंग ऑफ द गोल इज द एपेटाइटिव बिहेवियर। देन उसके बाद फेज आता है कंज्यूमेटरी एक्ट का, जब आपने गोल अचीव कर लिया तो उसके बाद आप उस गोल को यूज करो, आपने किस लिए उस गोल को, आपने पहले तो वो गोल बनाया, फिर जब आपको गोल मिल गया तो आपने किस लिए वो गोल बनाया था, आप वो कार्य करोगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म उस कार्य को करेगा। फिर उसके बाद एक फेज है क्विसेंस का, जब गोल अचीव हो जाता है, कंज्यूमेटरी एक्ट कंज्यूमेशन हो जाता है, तो उसके बाद एक क्विसेंस या एक स्टैग्नेंट फेज आता है उसके बाद में। मोटिवेशन जो है एक हाइपोथैलेमस के द्वारा मोटिवेटेड होता है, ये कंट्रोल होता है, इसका कंट्रोल सेंटर अगर न्यूरोफिजियोलॉजी या मोटिवेशन की स्टडी करें तो हाइपोथैलेमस इज कंसिडर्ड एज द कंट्रोल सेंटर। इसमें भी जो लेटरल हाइपोथैलेमस है
ये कंट्रोल करता है ड्रिंकिंग एनिमल्स में, जो प्यास लगती है, जो पानी पीते हैं, वो लिटरल हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है. और ये जो है ये सेंसिटिव होता है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द सर्क्यूलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स, कि बॉडी में जो सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है, जो बॉडी में फ्लूइड सर्कुलेट कर रहे हैं, अगर वो सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी देन हाइपोथैलेमस कहेगा कि पानी पीना है. तो ये दो तरीके से काम करता है, इसके दो सर्किट होते हैं. एक तो है बाय न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस से सिक्रीट करता है ये एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन ADH, जिसकी वजह से ADH के कारण हायर एनिमल्स में किडनीज में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है. दूसरा तरीका है कि ये एनिमल्स को डायरेक्ट करता है फॉर सर्चिंग एंड ड्रिंकिंग द वाटर, या कुछ भी लिक्विड पीना है उस समय. इसी प्रकार से जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस का, जिसको आप VHM भी कह सकते हैं, ये सप्रेस करता है जबकि लेटरल हाइपोथैलेमस फीडिंग एक्टिविटी को इंक्रीज करता है. इसी तरीके से दूसरे बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, जैसे कि सेक्सुअल बिहेवियर है, स्लीप बिहेवियर है, इमोशनल और मैटरनल बिहेवियर्स है, ये भी हाइपोथैलेमस के अलग अलग स्पेसिफिक एरियाज के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. तो हाइपोथैलेमस में हम ये मान सकते हैं कि दो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो हैं एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं. एक उस किसी भी पर्टिकुलर मैकेनिज्म को या किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव को एग्जैजरेट करता है या एक्टिवेट करता है, और दूसरा उसी को इनहिबिट करता है. और ये भी देखते हैं हम लोग को मालूम है रिसर्चेस के द्वारा कि जो हाइपोथैलेमस है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या किसी की भी बॉडी में जो टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उसको बहुत तेजी से डिटेक्ट करता है. और इसी तरीके से जो फ्लक्चुएशंस और कंसंट्रेशन होती है बॉडी फ्लूइड्स की, उसको भी बहुत अच्छे से डिटेक्ट करता है, क्योंकि इसमें थर्मोरिसेप्टर्स भी होते हैं और ऑस्मोरिसेप्टर्स भी होते हैं. नेक्स्ट इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मोटिवेशन. हाइपोथैलेमस के अलावा ब्रेन में और भी एरियाज हैं जो कि मोटिवेटेड बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का बेस रीजन होता है उसमें जो फ्रंटल पार्ट है, जहाँ पे हेमिस्फेयर और राइन सिफेलॉन होता है, जो लिम्बिक सिस्टम आप जिसको कहते हैं, ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होते हैं, और ये मोटिवेटेड बिहेवियर पे इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है. जैसे कि जो नियो कॉर्टेक्स है ये एसोसिएटेड होता है विद अराउजल एंड अग्रेशन, अग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करता है नियो कॉर्टेक्स. लेकिन अभी एक स्पेसिफिक एरिया नहीं पता चला है नियो कॉर्टेक्स का जहाँ से ये अग्रेसिव बिहेवियर कंट्रोल होता है. और जो कंट्रोल सेंटर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखना होगा कि ये स्पेसिफिक एरिया में काफ़ी बड़ा नंबर होता है नर्व सेल्स का, जो कि एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करते हैं. और जो ब्रेन है वो फंक्शन करता है बाय यूजिंग द लार्जर एंड डिफ्यूजिंग यूनिट्स रादर देन एक्वायरिंग अ सिंगल स्ट्रक्चरल यूनिट. मतलब ब्रेन को आप डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चरल यूनिट्स में. देर आर सम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि इसको ऐसा समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से आप समझें. तो इसके लिए टू फोल्ड अप्रोच है जो कि डिफरेंट इन्वेस्टिगेटर्स ने ली है. पहला तो है कि अलग अलग नर्व्स को स्टिमुलेट किया जाता है और उनके फिर पाथवेज को ट्रेस किया जाता है, उनके सेंसरी सिस्टम्स को, इफेक्टर ऑर्गन्स को, इनको सबको ट्रेस करके, और उसके बाद फिर उसको एनालाइज करते हैं कि क्या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और किस कि, किस किस फिजियोलॉजिकल फैक्टर में ये चेंज आ रहा है यहाँ पे. दूसरा तरीका है कि एनिमल में अलग अलग इनपुट्स जो हैं उनको ऑल्टर कर दिया जाए, कि जो स्टिमुलाई है वो ऑल्टर कर दिया जाए. और अब जो इथोलॉजिस्ट हैं वो जो दूसरी अप्रोच है ऑल्टरिंग द इनपुट, इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं. और देर आर डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन. तो इसमें पहला है लॉरेंस थ्योरी. इनकी जो थ्योरी है उसको कॉमनली साइकोहाइड्रोलिक मॉडल या लॉरेंस वाटर क्लोजेट कहा जाता है. ये एक्शन स्पेसिफिक, इसमें लॉरेंस ये कहते हैं कि किसी भी बिहेवियरल पैटर्न के लिए एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और जब दो एक्ट्स होते हैं, कोई भी दो एक्टिविटीज हो रही हैं या कोई दो रिस्पॉन्स हैं एनिमल के, उन दो रिस्पॉन्सेस के बीच में जो टाइम गैप है उसमें, उस बीच में क्या होता है कि ये जो गैप है आप ये देखिए कि एनर्जी इनपुट ये ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रहा है. उस गैप में एनर्जी इनपुट ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रहा है, वो एनर्जी यहाँ पर
एक्यूमुलेट हो रही है, ये पानी की टंकी की तरीके से आप समझिए कि एनर्जी जो है ये एक्यूमुलेट हो रही है। और जब ये एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है तो अगर कोई स्टिमुलस आता है, ये वेट जो है यहाँ पे ये स्टिमुलस की तरीके से, अगर कोई हल्का, अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई है उस गैप में और कोई हल्का सा स्टिमुलस भी आता है, तो क्योंकि एनर्जी एक्यूमुलेट हो चुकी है दैट वीक स्टिमुलस इज ऑल्सो सफिशियंट टू ब्रिंग आउट द रिस्पॉन्स। लेकिन अगर ये एनर्जी एक्सेस में हो जाए तो क्या होगा, फिर वैक्यूम एक्टिविटीज होती है। वैक्यूम एक्टिविटीज मतलब कि बिना बात की एक्टिविटीज होंगी, कि कई दफा आप देखेंगे कि कोई बर्ड है एंड वो हवा में पूरा एक्शन करेगी, पूरा मूवमेंट करेगी कि वो कोई इंसेक्ट को पकड़ रही है और उसे खा रही है, लेकिन हवा में कोई इंसेक्ट नहीं है। तो इस टाइप की जो जो एक्टिविटीज होती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, उसको कहते हैं वैक्यूम एक्टिविटी। लेकिन अगर बार बार एनिमल का अराउजल होता है तो फिर उसके बाद एनिमल में एग्जॉशन भी डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इज द टिनबर्जेंस थ्योरी। टिनबर्जन ने ये बोला था कि इंस्टिंक्ट सेंटर्स जो हैं वो एक हायरार्कियल मॉडल में अरेंज्ड होते हैं, तो इस वजह से इसको टिनबर्जेंस हायरार्कियल मॉडल भी कहा जाता है। और वो ये कह रहे हैं कि मोटिवेशन जो है ना इंस्टिंक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, कोई ड्राइव नहीं होती, इंस्टिंक्ट्स होते हैं। तो उसमें इन्होंने बहुत सारे सेंटर्स हैं ब्रेन के जो एक हायरार्कियल पैटर्न में अरेंज्ड हैं, और एनर्जी जो है एक हायरार्की से दूसरे लेवल पे जाती है, दूसरे से तीसरे पे जाती है, और इस तरीके से मोटिवेशन जो है वो निष्पादित होता है। और वो ये कह रहे हैं कि जब अलग अलग जितने भी कंट्रोल सेंटर्स हैं दे आर डिवोटेड टू डिफरेंट इंस्टिंक्ट्स, मतलब एक ही कंट्रोल सेंटर से सारे इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल नहीं करेगा, उसके लिए अलग अलग सेंटर्स हैं, और इसी वजह से जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो जब वो इधर उधर हो जाती है तब डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटीज एनिमल्स में हो जाती है। क्योंकि और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनिमल्स में ना ओवरलैपिंग बिहेवियरल सिस्टम्स होते हैं, तो मोटिवेटेड बिहेवियरल पैटर्न जो है दैट दे डू नॉट अकर थ्रू अ सेपरेट ड्राइव और इंस्टिंक्ट बट एज फंक्शन ऑफ मैनी कैजुअल फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इसको हम कैसे समझेंगे, इसके लिए देखिए एक ये मेल थ्री स्पाइन स्टिकल बैक का एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब उसके लिए बहुत सारे स्टिमुलाई यहाँ पे दिए गए। देर इज अ सोलन बेली, विल टॉक अबाउट द एरोज लेटर, पहले हम ये सारे स्टिमुलाई देख लेते हैं। देयर कैन बी अ सोलन बेली ऑन द इंट्रूडर, मतलब कि जो इंट्रूडर आया है उसकी सोलन बेली है, दैट मीन्स दैट इज अ राइट फीमेल। नेक्स्ट इज द मेल सेक्स हॉर्मोन इज प्रेजेंट, उसका मेल सेक्स हॉर्मोन इस समय सिक्रीट हो रहा है। देन थर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ नेस्ट, उसने नेस्ट भी अपना तैयार कर रखा है। फिर रेड बेली ऑन द इंट्रूडर, रेड बेली ऑन द इंट्रूडर का मतलब उसी की स्पीशीज का दूसरा मेल है। और लास्ट है एग्स इन नेस्ट। तो ये पांच अलग अलग प्रकार के स्टिमुलाई हो सकते हैं। तो जब सोलन बेली होती है इंट्रूडर पे, उस समय वो जिगजैग डांस करता है। वो जिगजैग डांस क्यों करता है, क्योंकि वो फीमेल को अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरा है मेल सेक्स हॉर्मोन, जब मेल सेक्स हॉर्मोन होता है, जब उसकी अपनी वो खुद सिक्रीट कर रहा है, देन देर वुड बी अ zigzag डांस। और उसके अलावा जब अगर पानी में मेल सेक्स हॉर्मोन वो महसूस करता है जो कि विच इज नॉट सिक्रेटेड बाय हिम, देन इट विल शो हेड डाउन थ्रेट। इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ नेस्ट तो भी वो zigzag डांस करेगा, और अगर इसके साथ में swollen belly ऑफ इंट्रूडर है तो भी zigzag डांस करेगा। देन रेड बेली ऑन द इंट्रूडर, यहाँ पे खतरा है, वो हेड डाउन थ्रेट देगा। मेल सेक्स हार्मोन अगर है एंड देयर आर एग्स इन द नेस्ट तो फैनिंग करेगा, अगर फीमेल भी प्रेजेंट है तो भी वो बार बार अपने नेस्ट पे जाकर फैनिंग करता है, देन एग्स इन द नेस्ट तो भी फैनिंग करेगा। तो दीज, क्योंकि ये अलग अलग मोटिवेट, एक साथ में बहुत सारे बिहेवियरल सिस्टम्स हैं जो एक्टिव हो रहे हैं, तो उनका सबका रिस्पांस, उनके सबके मोटिवेशन बिहेवियरल पैटर्न जो है वो डिफरेंट होते हैं, सेपरेट ड्राइव्स हैं, इंटरमिक्स हैं, इस वजह से भी वैक्यूम एक्टिविटीज हो सकती हैं। व्हाट इज द अडैप्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर, मोटिवेटेड बिहेवियर की अडैप्टिव सिग्निफिकेंस ये है कि ये पर्पजिव है, कि एक गोल सेट किया फिर उसको अचीव करना होता है, तो एक पर्पज सेट होता है कि मेरे को अब अगला कदम ऑर्गेनिज्म को, मेरे को अगला काम ये करना, तो ये पर्पजिव है। दूसरा है कि एनिमल्स जो है एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई को यूटिलाइज करते हैं टू अराउज देमसेल्व्स
टूवर्ड्स अ डेफिनेटिव ऑब्जेक्टिव, जिसका फुलफिलमेंट हो जाने के बाद उनको सेटिस्फैक्शन होता है। तो मोटिवेशनल पैटर्न्स जो होते हैं, एक मोटिवेशन खत्म हुआ तो फिर वो दूसरा आ जाता है, उसके बीच में फिर क्विसेंस का फेज भी आता है। तो एक दो मोटिव्स के बीच में हमेशा एक क्विसेंस का फेज आएगा, फिर वो दूसरा गोल सेट करेगा, फिर दूसरा मोटिवेशनल पैटर्न होगा। तो एक बार जब गोल अचीव हो जाएगा तो उसके बाद वो नया गोल सेट करेगा। कई दफ़ा क्या होता है कि एक ही साथ बहुत सारे मोटिव्स जेनरेट हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मोटिव होगा वो इफेक्टिव रहेगा, जबकि बाकी के उससे इन्फ्लुएंस होंगे या सबड्यूड हो जाएंगे। दो कैटेगरीज होती हैं मोटिव्स की, एक तो इननेट मोटिव्स होते हैं या बायो और उनको और दूसरे होते हैं सॉरी एक तो इननेट या बायोलॉजिकल ड्राइव हैं और दूसरी हैं साइकोलॉजिकल मोटिव्स। बायोलॉजिकल ड्राइव्स जो होती हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, मतलब कि फूड है, वाटर है, स्लीप है, सेक्सुअल बिहेवियर है, ऑल दीज आर बायोलॉजिकल ड्राइव। जबकि जो साइकोलॉजिकल मोटिव्स हैं, साइकोलॉजिकल मोटिव्स में कल्चरल प्रेशर्स आ जाते हैं कि आपको पढ़ाई करनी है या आपने कोई और गोल अचीव कर दिया, अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस आपको एक अपना स्टेटस मेंटेन करना है, ऑल दीज आर साइकोलॉजिकल मोटिव्स। तो साइकोलॉजिकल मोटिव्स को आप ये कह सकते हैं कि दीज आर ऑफ एक्वायर्ड नेचर। बायोलॉजिकल ड्राइव्स जो हैं ये मोटिवेट करती हैं एनिमल को इन अ डायरेक्शन विच ब्रिंग्स अबाउट डिजायर्ड चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। अब डिजायर्ड चेंज क्या है, जब उसको भूख लग रही है, भूख लगने का मतलब है कि ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, तो जब वो भोजन ग्रहण करेगा उसके बाद उसका शुगर लेवल बैलेंस हो जाएगा, या उसको सॉल्ट कंसनट्रेशन बॉडी में बढ़ रही है तो वो पानी पिएगा, पानी पीने से उसका सॉल्ट कंसनट्रेशन या ऑस्मोटिक बैलेंस उसका मेंटेन हो जाएगा। या बायोलॉजिकल ड्राइव जो होती हैं इननेट होती हैं एंड दीज आर इनहेरिटेड थ्रू जेनरेशंस। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल ड्राइव। सबसे पहला थर्स्ट ड्राइव, ये अभी डिस्कस किया। तो एनिमल्स जो हैं दे लुक फॉर वाटर टू क्वेंच देयर थर्स्ट, और जब कोई वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी टू मीट आउट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी, तो एवरी थर्स्टी इंडिविजुअल लर्न्स टू फाइंड वाटर। वाटर अब यहाँ पे गोल हो जाता है उसका, और ये एक स्टीरियोटाइप बिहेवियर है। इसमें क्या होता है थर्स्ट में कि माउथ में जो नर्व एंडिंग्स होती हैं और थ्रोट में, दे ब्रिंग अ सेंसेशन इन द ऑर्गेनिज्म टू मेक इट कॉन्शियस अबाउट थर्स्ट, कि आपका गला सूखने लगेगा, माउथ मुंह सूखने लगेगा। एंड ये जो ड्राइव है दिस इज एक्टिवेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ये हमने डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमस से, एक तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से ADH हार्मोन सीक्रेट होता है which increases the reabsorption of water from the kidneys. और दूसरा तरीका है फिर यूरिनेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है टू मेंटेन वाटर बैलेंस। अगर बॉडी में वाटर ज़्यादा है यूरिनेशन ज़्यादा होगा, मतलब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाटर है तो यूरिनेशन ज़्यादा होगा, और ADH will increase the reabsorption of water. Next is the hunger drive. Hunger drive कब होती है, जब ब्लड शुगर लेवल जो है ये इसको कंट्रोल करता है, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हंगर ड्राइव। ये हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होता है। अगर एक्साइटेटरी सेंटर्स जो है हटा दिए जाएं एक्सपेरिमेंटली, तो ये देखा जाता है कि भोजन ग्रहण करना बिल्कुल रुक जाता है, देयर इज सेसेशन ऑफ ईटिंग, मतलब कि खाना बिल्कुल रुक जाता है। लेकिन अगर एक्साइटेटरी सेंटर्स को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया जाए तो उसकी वजह से हाइपरफैगी भी होती है। हाइपरफैगी इज ओवर ईटिंग। देन देर आर सर्टेन ब्रेन सेंटर्स विच कंट्रोल द एपेटाइट, ये कंज्यूमेटरी बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। देन स्टिम्युलेशन एंड इनहिबिशन ऑफ फीडिंग बिहेवियर आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द न्यूरल सेंटर्स। जैसे कि हाइपरफैगिया या इंक्रीज फूड टेक जो है ये तब होगा जब VMH को बायलेटरली डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए। लेकिन अगर लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई को डिस्ट्रक्ट करा जाता है तो एफैगिया या इनहिबिशन ऑफ फीडिंग होती है, और एफैगिया की वजह से लॉन्ग लास्टिंग एनोरेक्सिया हो सकता है। अगर फीडिंग बिहेवियर किसी वजह से इनहिबिट हो जाए, ये होता है जब वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस जो है इसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया जाए, लेकिन
जब इसको करते हैं तो फीडिंग बढ़ बढ़ जाता है और लेटरल हाइपोथैलेमस से वो घट जाता है। इंजेस्टिव बिहेवियर जो है वो इनिशिएट या इनिबिट होता है बाय इंफ्यूजन ऑफ नॉरएपिनेफ्राइन इन द मीडियल और लेटरल हाइपोथैलेमस। एंड कंट्रोल ऑफ फूड इनटेक इज डन बाय मॉनिटरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय ग्लूकोरिसेप्टर्स। जो बॉडी के अंदर ग्लूकोरिसेप्टर्स हैं वो देखते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो दे विल इनिशिएट द हंगर ड्राइव। इसी तरीके से जो काइम है, व्हाट इज काइम? काइम इज काइम इज द डाइजेस्टेड फूड दैट इज रिलीज्ड इनटू द स्टमक। जब काइम सेमी डाइजेस्टेड फूड है, जब वो स्टमक में आता है तो उसकी वजह से बहुत सारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सीक्रेशन को। तो काइम की प्रेजेंस में भी हंगर कई दफ़ा इनिशिएट होती है। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, जिससे कि पेनक्रियाटिक जूसेस जिसमें एंजाइम्स हैं वो सीक्रीट होते हैं। देन हंगर ड्राइव, इसमें न्यूरॉन्स जो सैशिटी सेंटर्स के हैं इनहिबिट द न्यूरॉन्स ऑफ फीडिंग सेंटर। कि अब सेटिस्फैक्शन हो गया तो वो फीडिंग सेंटर के न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर देंगे, जिस जो कि लेटरल हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। और सैचिटी सेंटर्स के जो न्यूरॉन्स हैं ये दे डू नॉट इनहिबिट फीडिंग सेंटर न्यूरॉन्स अंडर लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर खाना काफ़ी खा लिया लेकिन फिर भी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम बना हुआ है तब ये उसको इनहिबिट नहीं करेंगे, लेटरल हाइपोथैलेमस रीजन के न्यूरॉन्स को इनहिबिट नहीं करेंगे। तो न्यूरॉन्स जो फीडिंग सेंटर के हैं दे आर स्टिमुलेटेड, दे विल स्टिमुलेट अदर न्यूरल सेंटर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हंगर सेंसेशन विच अल्टीमेटली लीड्स टू फूड इनटेक एंड ब्लड शुगर लेवल इज ब्रॉट बैक टू नॉर्मल अगेन। बहुत सारे बाकी सेंटर्स भी होते हैं जो कि फीडिंग बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनिजम्स के। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को बहुत लंबे समय तक भोजन ना दिया जाए तो धीरे धीरे हंगर ड्राइव का एलिमिनेशन हो जाता है कम्प्लीटली। लेकिन अगर सेमी स्टारवेशन है, सेमी स्टारवेशन का मतलब उसको कम खाना दिया जा रहा है, बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में उसको खाना दिया जा रहा है, तो ये उसका हंगर ड्राइव और बढ़ा देता है और उसका बिहेवियर जो है डिस्टर्ब कर सकता है, कई बार अफेक्ट करता है, एग्रेसिव हो जाता है एनिमल। और कैटल और रैट में हंगर ड्राइव जो है ये मोटिवेटेड होती है, जनरल हंगर ड्राइव के जैसी नहीं होती, इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। देन स्लीप ड्राइव, स्लीपिंग इज कॉज्ड बाय कुछ केमिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ जो कि स्टिमुलेट करते हैं ब्रेन के कुछ सेंटर्स को, जिससे कि मसल्स नर्व्स को स्टिमुलेट करेंगे जिससे कि मसल्स रिलैक्स हो सकती हैं। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि स्लीपलेसनेस जो है इट कैन बी कॉज बाय इंजरिंग सम लोअर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल द स्लीप ड्राइव। और कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं जो कंट्रोल करती हैं, कि जैसे कि हमें रात को सोना है, सवेरे हमें उठना है, तो लाइट एंड डार्क साइकिल्स भी, जो एनवायरनमेंट की लाइट एंड डार्क साइकिल्स हैं वो भी अफेक्ट करती हैं हमारी स्लीप पैटर्न को। लेकिन कुछ ट्राइब्स हैं ऐसे जो कि बहुत कम, मतलब 3-4 घंटे की नींद ही लेते हैं, तो बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। देन हीट एंड कोल्ड ड्राइव्स, ये वेदर के कारण होती है कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर कितना है। तो ऑर्गेनिजम्स की जो स्किन होती है उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि विच आर सेंसिटिव टू हीट, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि कोल्ड के लिए सेंसिटिव होते हैं। बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं बॉडी में जो एक्टिव रोल प्ले करते हैं मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि थायरॉक्सिन है, एड्रिनलिन है। तो जब ठंड होती है तो बॉडी की एक्टिविटी इंक्रीज की होती है बाय द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन एंड एड्रिनलिन। और जब बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो ब्लड वेसल्स, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं, दे डायलेट, जिससे कि ज़्यादा ब्लड एक्सपोज होता है टूवर्ड्स फॉर द एनवायरमेंटल एयर, और उसकी वजह से बहुत तेज़ी से इवेपोरेशन होता है। ये कूलिंग पर्पजेज से होता है कि तेज़ी से हवा वहाँ से पास हो। कुछ कई बार हम लोग एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज करते हैं फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर, जैसे कि सर्दियों में ब्लोअर लगा लेते हैं, या गर्मियों में फैन है, कूलर्स हैं, एसीज हैं, ठंडा पानी पीते हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा यूज किए जाते हैं टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एट नॉर्मल लेवल। तो ये जो कंट्रोल्स हैं
एक्सटर्नल कंट्रोल्स ऑफ टेम्परेचर, दीज आर नोन एज सर्वो कंट्रोल्स, एंड दिस सर्वो कंट्रोल इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन. देन सेक्सुअल ड्राइव, ये एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल ड्राइव है जो कि उसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनिजम्स की है उसको मेंटेन करता है. सेक्सेस में प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, अगर कोई एंड्रोजेंस या एस्ट्रोजेंस की कमी है या दिखता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डेवलपिंग द सेक्सुअल ड्राइव. ये इमोशनल ऑर्गेनिज्म के इमोशनल स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, साथ ही साथ जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशंस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. मेल्स में जो एंड्रोजेंस रिलीज होते हैं टेस्टिस से, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन या गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, ये भी सेक्सुअल मेच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उन एनिमल्स में पर्टिकुलरली. और मेटिंग बिहेवियर जो होता है रैट्स में पर्टिकुलरली, इट डेवलप्स इन मेच्योर रैट्स इन द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टिव फीमेल. अगर रिसेप्टिव फीमेल रैट प्रेजेंट नहीं है विसिनिटी में तो उसका मेटिंग बिहेवियर रैट्स का स्टिमुलेट नहीं होगा. अब सेक्सुअल ड्राइव के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं मोटिवेशन के लिए, कि एक तो कोई पर्टिकुलर एज होती है, देन कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं, सेक्सुअल अर्ज होती है ऑर्गेनिजम्स की जो कि एज के साथ डिक्रीज होती जाती है. जैसे कि फीमेल रैट्स में और रैबिट्स में देखा गया है कि जो एस्ट्रोजन रिलीज होता है ओवरी से, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग सेक्सुअल अर्ज, जबकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेगनेंसीज को मेंटेन करता है. ओव्यूलेशन जो है अधिकतर जब तब होता है जब एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है, और जो एस्ट्रस या हीट पीरियड होता है उस दौरान रेस्पिरेटरी एक्टिविटी और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं, एंड फीमेल्स एट दैट टाइम आर इजीली एक्साइटेड बाय स्टिम्युलेशन. और वो हार्मोन्स जो कि कोर्टशिप, मेटिंग और मेटर्नल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, दीज आर ऑल्सो सीक्रेटेड एट द सेम टाइम. देन देयर इज एयर हंगर. एयर हंगर तब डेवलप होता है जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में. इट माइट बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, जैसे आजकल COVID-19 चल रहा है, या अगर ओवर क्राउडेड रूम में है तो उस समय ओवर क्राउडेड होने की वजह से ऑक्सीजन धीरे धीरे मीथेन से रिप्लेस हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग जाती है. तो ऑर्गेनिज्म अगर मीथेन इकट्ठा हो जाए या कार्बन मोनोऑक्साइड रिप्लेस कर दे ऑक्सीजन को इन अटैचिंग टू द हीमोग्लोबिन, तो धीरे धीरे द ऑर्गेनिज्म लूजेस कॉन्शियसनेस और उसकी बॉडी में एक डिस्कम्फर्ट आता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो उसकी वजह से एयर हंगर होता है कि मुंह खोल के सांस लेते हैं, या कई बार एक्वेटिक एनिमल्स भी पानी की सतह पर आकर मुंह खोल करके सांस लेते हैं, तो उसको एयर हंगर कहा जाता है. इसी तरीके से पेन ड्राइव है. बॉडी में पेन जो होता है काफी लंबे समय तक रहता है. अगर कोई पार्ट इंजर हो जाए किसी भी वजह से, कि हॉट आयरन आपने एक्सीडेंटली छू लिया है या कुछ लग गया आपके, तो वो बर्न या जो पेन है वो काफ़ी समय तक रहता है. देन इट विल बिकम अ ड्राइव. लेकिन इसको आप ट्रू बायोलॉजिकल ड्राइव नहीं कह सकते क्योंकि ये इनबॉर्न एज सच नहीं होता है. और ये भी देखा गया है कि जो थोड़ा मेंटली रिटार्डेड केसेस हैं दे आर लेस रिस्पॉन्सिव टू पेन देन द नॉर्मल इंडिविजुअल्स. फॉर फर्दर रीडिंग्स यू कैन स्टडी विनोद कुमार एनिमल बिहेवियर बाय हिमालयन पब्लिशिंग हाउस एंड एनिमल बिहेवियर बाय मैनिंग एंड डॉकिंस बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 2019.